जाम सादिक अली साहब में एक बात थी, वो मर्दम शुनास आदमी था, उसको पता था कौन आदमी क्या है, क्योंकि सांगड़ का ही बिलोंग, वो सांगड़ से बिलोंग करते थे और मैं सांगड़ का एसएसबी था 1.5 साल, तो मुझे जानते थे किस टाइप का आदमी मैं था, जाम सादिक अली था, और उस वक्त इनके पास और कोई आदमी नहीं था, और सलीम मेहमान था अपना ये सेक्रेटरी सीएम का, और आलम बलोच था, चार आदमियों ने हमने गवर्नमेंट बनाई। और एक नाम भूल गए, मिस्टर बिल्ला का, ब्रिगेडियर बिल्ला, ब्रिगेडियर इम्तियाज बिल्ला, ब्रिगेडियर मरो इम्तियाज, वो थे हमारे साथ। जाहिर है वो उनकी जरूरत पड़ती है अब कई चीजों में, तो एनीवे तो हमने गवर्नमेंट बना ली, तो इनके पार्टी के लोग भी आ गए हमारे पास, पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग आ गए। मकसद है कि अगर आपके पास कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है, खान साहब से कोई वफादार है ही नहीं, तो ऐसे ही होगा जो अभी हुआ। होना ये चाहिए था कि इतने करप्ट लोग, जिस तरह एक अच्छा एस एच ओ आता है ना, अच्छा एस एच ओ, मैं बड़ी बात नहीं करता, स्पीड डी आई जी की बात नहीं करता, अच्छा ऐसे जो जो इलाके में आता है तो सारे बदमाश भाग जाते हैं, वो ये नहीं होता कि सारे बदमाश जमा होके ऐसे जो के सामने खड़े हो जाते हैं, सर नहीं होता। तो जब काम करना आता ही नहीं है तो ढीला ऐसे जो आ गया तो वो क्या होगा, तो सब मारेंगे। सिद्दीकी साहब अभी अपने बात छेड़ रही थी ना, तो मुझे ये बताएं कि जाम सादिक की हुकूमत बनती है, चार आदमी बनाते हैं जिसमें एक आप कभी कलीदी किरदार है उसमें, ठीक है ना? अच्छा, वो हुकूमत जब बनती है तो उसके मुकाबले में जो पीपल्स पार्टी उस पर खड़ी होती है, वो एक बहुत ही मजबूत पीपल्स पार्टी होती है, एक ऐसी पीपल्स पार्टी जिसमें उस वक्त जोश व जज्बा जो है जुल्फिकार अली भुट्टो का भी होता है और बेनज़ीर भुट्टो उस पर खुद हयात होती है। अब उस पीपल्स पार्टी को क्रैश करना, उसको तोड़ना, उसके टुकड़े करना एक नामुमकिन सी बात थी, लेकिन वो भी जाम सादिक की हिकमत अमली ने उसको किसी हद तक जो है कामयाब करवा दिया। अब इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है, वो पीपल्स पार्टी ना तो बेनज़ीर की पीपल्स पार्टी कहलाती है, ना ही जुल्फिकार अली भुट्टो की, ये पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त आसिफ जरदारी की पार्टी बन चुकी है। तो आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी एक नज़रियाती पीपल्स पार्टी नहीं रही, जिसकी जड़ें अवाम में नहीं है, ठीक है ना? अब इस पीपल्स पार्टी को गिराना या क्रेश करना मेरे नज़दीक जो है उसके मुकाबले में ये इंतहाई आसान काम है। फिर ये हुकूमत के लिए ये इतना मुश्किल क्यों हो गया? अगर आपको वज़ीर आला बना दिया जाए या गवर्नर बना दिया जाए, तो आपको अगर ये टास्क दिया जाए कि इस पीपल्स पार्टी को आपने दीवार से लगाना है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको इमरान खान ये टास्क दे देते हैं, आप क्या करेंगे? देखिए, पहली बात ये, अगर सलीम अख्तर सिद्दीकी नगरान वज़ीर आला आ गया ना, वैसे ये सब भाग जाएंगे। ये दूसरे दिन कोई इनमें पाकिस्तान में ही नहीं होगा, इनको मेरा पता है, सब मुझे जानते हैं। हमने 90 में कोई इनको मारा पीटा नहीं था, हमने इनकी फाइलें बनाई, ये क्या करते हैं, किधर जाते हैं, इनके असेट्स क्या हैं, करप्शन की फाइलें बनाई, तो ये मुझे जानते हैं। इसमें अगर मैं गवर्नर आता हूँ या सीएम आता हूँ नगरान, तो ये भाग जाएंगे, सब भाग जाएंगे, ये डाकू चोर सब भाग जाएंगे। तो आपके देखें, ये आपके जब ये हाथ साफ हैं, चेयरमैन नैब ने माफी मुझसे मांगी हुई है, तो मेरे हाथ साफ हैं, और वो माफी 6 साल के बाद इसने माफी मांगी है, इंक्वायरियां करके एंड इन्वेस्टिगेशन ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड थ्रू ऑल द एजेंसीज, सब के माफी मांगी मुझसे, तो जाहिर है मैं आई एम ऑनेस्ट पर्सन। तो पहली बात, आपकी ऑनेस्टी जो है ना, उससे आधा क्राइम भी खत्म हो जाता है। पुलिस वालों को सब मेरा पता है, पुलिस सीधी हो गई, आपका सूबा पूरा सही हो जाएगा सिर्फ। तो उसके बाद उन लोगों को मेरा पता है कि ये किस किस्म का आदमी है, तो और मैं आईजी जेल भी रहा हूँ, जेल वालों को पता है, ये वैसे ही भाग जाएंगे सारे। सिद्दीकी साहब, ये बताया ना कि इस वक्त जो है सिंध की जो हुकूमत है उसमें जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं तकरीबन तमाम के तमाम जो है नेबजदा हैं, ठीक है? और जितने भी आपके पॉलिटिशियन इस वक्त हैं सिंध के अंदर नामी ग्रामी जो पीपल्स पार्टी के हैं, वो तकरीबन तमाम के तमाम नेबजदा हैं। जब वो तमाम के तमाम दागी हैं, तो उसके बावजूद उनको
काबू करना या उनको क्रेश करना या उनको दीवार से लगाने में जो है क्या दिक्कत है सिक्योरिटी फोर्सेस को या फिर इमरान खान को, मतलब क्यों नहीं इनको काबू कर सकते कि वो उनके लिए जो है ये इस वक्त एक प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट कर दी है यूसुफ रजा गिलानी की शिकल में, कि यूसुफ रजा गिलानी जो है वो इस वक्त जो है वो एक उनको नेल्सन मैंडेला बना के उसको पेश कर रहे हैं उसको कहने में कि वो जो है पहले जो है उसको सेनेटर बनवा दिया, अब उस सेनेटर बनने के बाद जो है अब उन्हें चेयरमैन सेनेट बनाने के भी वो ख्वाब देख रहे हैं, जबकि ये पूरी अपोजिशन उनके पीछे खड़ी है और अपोजिशन का वो एक मुत्तफिका उम्मीदवार बनकर सामने इस वक्त आए हैं। तो आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए मैं आपको पहली बात बताता हूँ क्लियर, मैंने यूसुफ रजा गिलानी का आपको बताया ही इज नॉट नेल्सन मैंडेला और उसने उसमें क्रिमिनल केस में गया सिमिलरली आसिफ जरदारी ऑल अरेस्टेड ऑल द क्रिमिनल केसेस इन मर्डर केसेस and the kidnapping of ransom cases. How come हम उसको कह सकते हैं कि नेल्सन मैंडेला? Besides that, इनकी अपनी पार्टी जो है उसको पता है कि हमारी बीबी के मर्डर के पीछे कौन है, तो ये अगर मैं इनको कसमें उठाऊंगा ना तो पीर बाजार भी कसम नहीं दे सकता, उसको भी पता है और कि कौन पीछे है, उसके पास भी पूरी फाइल थी, ठीक है, लंदन में सुन रहा है, तो मैं उसके सामने बताता हूँ कि फाइल तुम्हारे पास भी थी मर्डर की, कौन कातिल है। इस तरह एक भी आदमी इनका खड़ा हो जाए इंक्लूडिंग जरदारी तो सवाल ही पैदा नहीं। और ये वहां की बातें, पीडीएम की बातें, सियासी बातें, ये सब खत्म हो जाए। किस चीज की सियासत, किस चीज की? एक अब नैब के कुछ यहाँ सफाई करनी पड़ेगी, मैं आपको ये बताऊँ, नैब की सफाई करनी पड़ेगी कराची की, वहाँ की सफाई करें, और इनके बहुत सारे अब तो सिंध के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अब नैब ज़दा का, मैं जरदारी ज़दा कह रहा हूँ, जरदारी ज़दा हैं सारे, जरदारी ने खराब किया हुआ सबको, सारे किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व, और उसके अलावा सारे इनके सियासतदान इन्वॉल्व। कल वो सरदार अली शाह का पूरा कच्चा चिट्टा चल रहा था इनके मिनिस्टर का, हर एक ने जो लूट में, जिस तरह वो क्या बोलते हैं बहती वो नदी बोलते हैं, दरिया बोलते हैं, इसमें हाथ डालो निकाल दे जाओ, गंगा में हर एक ने हाथ धोए हैं। अच्छा अभी ये सारे जो हैं, सारे जो हैं, देखे सलीम अख्तर सिद्दीकी इनसे पहले सियासतदान था, सलीम अख्तर सिद्दीकी इनसे ज्यादा सियासत जानता है, सलीम अख्तर सिद्दीकी नोज हाउ टू कंट्रोल देम, एंड सलीम अख्तर सिद्दीकी नोज हाउ टू कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ठीक है, ये सब मैं जानता हूँ और ये लोग मुझे जानते हैं, इसलिए तो ये इनको मैंने जब गिरफ्तार किया जरदारी को, और बाकी जो ये है ये लोग जानते थे, ये आईजी आया तो हमें छोड़ेगा नहीं किसी को भी, तो इसीलिए मुझे आईजी नहीं लाइसेंस था, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि 10% की रोएदाद जो है अब दोबारा जो है सुनने को मिली हमें प्राइम मिनिस्टर की जबानी कौमी असम्बली में, तो वो तो अब तो ये भी कहा गया कि भाई 10% पर तो फिल्में भी बन चुकी हैं, मूवी बन चुकी है, तो क्या 10% के हवाले से जो है जरदारी क्या पूरी दुनिया में उनकी शोहरत है, ये अब बताएं इस पर? 10% तो अब नहीं रहा ना, अब तो 80% हो गया, लोग 100% लोग 100% कहते। देखें ना, इमरान खान को अभी पता है, प्राइम मिनिस्टर साहब को सॉरी, कि आपकी जितनी फॉरेन एड है डॉलर्स में, एजुकेशन में, इरिगेशन में, वो किधर है, किधर गई, आपको ये पता ही नहीं है, बिलियन तक ऑफ डॉलर्स आए हैं और आपको पता ही नहीं, किसी ने होटल बनाया 5/7 में पीर बाजार में, वो भाई 5/7 होटल, किसी ने सरे महल खरीद लिया और नॉन स्टॉप आपके पैसे वो चले गए पाया, वो आप एरिगेशन में जितनी फॉरेन फंडिंग है वो बिलियन, वो पैसे किधर है, ये बातें ये नैब वाले थोड़ी बताएंगे इनको, इस किस्म की नैब है ही नहीं। अब नैब ये रही एंटी करप्शन का, जिस तरह भी हाल है ना, किसी जमाने में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था,
इनके एंटी करप्शन का सर्कल इंस्पेक्टर बहुत बड़ी बात होता था, अभी वो सब पैसे लेते हैं और चल भाई। तो और सारे जितने करप्ट सियासतदान है वो जम्बल्ड अप एक जगह जमा हो गए। आप देखे ना वो इम्तियाज शेख कहाँ जमा कहाँ भागा है, तो सारे करप्ट जमा है। तो आप इसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं उन करप्ट लोगों से? अच्छा, यही करेंगे जो ये कर रहे हैं, वो पैसे कहाँ चलाएंगे? अब मुझे ये बताएं कि सियासत में जुर्म, इसकी पहले कोई नजीर नहीं मिलती है मां सिवाय एक जो केस लादा गया था जुल्फिकार अली भुट्टो पर, अहमद अदा कसूरी वाला मर्डर केस जो है, इससे पहले उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन उसके बाद जब ये जरदारी के जो मुकदमात होते हैं, इसके बाद जो है वो ये एक बाब खुल जाता है कि जराइम और सियासत साथ साथ चल रहे हैं। इस पर क्या कहते हैं आप? देखिये इन्होंने इब्तदा जो है आसिफ जरदारी ने की थी जराइम से, ये क्राइम क्रिमिनल ऑफेंसेस जो है जरदारी से शुरू हुए, और उसमें आप लास्टली आपके बीबी का जो मर्डर है, तो कोई उनको खान साहब को बताता है कि ये एफआईआर किस तरह मर्डर केस इन्वेस्टिगेट एफआईआर ने किस तरह किया, कोई उनको ये बता रहा है हाउ एफ आई ए जिसके इसमें शेड्यूल में नहीं है कि वो मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करे, हाउ रहमान मलिक ने उससे इन्वेस्टिगेशन करा के उसको घुमा के, और ये कोई तरीका है? उनको बता नहीं रहा है इमरान खान को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि ये मर्डर केस एफ आई ए नहीं कर सकती। मर्डर केस काम है पहले लोकल पुलिस का, लोकल पुलिस करे। अगर लोकल पुलिस में नीचे से वाला अफसर फर्ज करें, अभी इन्होंने अलग कर दिया है इन्वेस्टिगेशन को और अपना वॉच एंड वार्ड, ठीक है, वॉच एंड वार्ड मींस के एसएचओ एंड वॉच एंड वार्ड कहते हैं, जी 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 हाँ, उनको वॉच एंड वार्ड कहते और इन्वेस्टिगेशन ब्रांच आपने अलग कर, चलो ठीक। तो इन्वेस्टिगेशन का काम किसका है? तो इन्वेस्टिगेशन का काम जो है पुलिस का, उसमें जो ज्यादा ज्यादा इंस्पेक्टर करे, उससे नहीं होती तो डीएसपी करे, डीएसपी से नहीं होती एसपी करे, वो नहीं करती डीआईजी को कर दे। मैं एज ए डीआईजी भी किया इन्वेस्टिगेशन, तो मैं जानता था इन्वेस्टिगेशन कैसे करता, ठीक है। तो एफआईए के कहाँ से काम आ गया? आप बीबी के मर्डर की केस करो एफआईए, और फिर उसमें हजार बातें उन्होंने डाली है बीच में, वो फोन पे कह रहा था कि बीबी का मर्डर कर, क्या बातें आप करते हो? तो इस तरह की बहुत सारी बातें, वो इनको समझ में नहीं आती, केसेस पड़े हुए। अच्छा सिद्दीकी साहब, ये बताएं कि यूसुफ रजा गिलानी का नेक्सन इनसे ताल्लुक कैसे होता है अपना जरदारी से, ये बताएं। पहले तो देखो इनका वास्ता ही नहीं था ये मुखालिफ उसमें था, ठीक है ना, मुखालिफ लॉबी जो थी वो ऑफकोर्स जनरल ज़िया साहब मरहूम की मुखालिफ थे ना, पीपल्स पार्टी का तो नहीं था, पीपल्स पार्टी का तो नहीं था, ये उनके साथ थे, ठीक है। और बाद में अहमद खान जो ने जो कैबिनेट में भी थे, और शुरू से ही है पीपल्स पार्टी का मुखालिफ था। अब ये जिस तरह इम्तियाज शेख आगे, कहाँ इम्तियाज शेख कहाँ जरदारी, आप अंदाजा तो करो। जिसने जाम सादिक अली साहब के तौर में क्रैश किया, जिसने पीपल्स पार्टी को तबाह किया, वो बंदे को पीपल्स पार्टी बाद में आके तबाह नहीं किया, इसलिए वैसे काम हमने किया जो भी था हुकूमत बनाने का मकसद, ये फ्रंट लाइनर दिखाता था कि ये करो वो करो। बाद में इन्होंने तो एमपीएस भी उठाए पीपल्स पार्टी किया, ने तो उसमें इसने अब बहुत और भी काम किए, मगर ये जाके कैसे बनाए उसके साथ सरदारी के साथ, आप सोच सकते हैं। ये सब पैसों का चक्कर है, यूसुफ रजा भी ऐसे आके पैसों में लगा, ये किसी के भी नहीं है, कभी किसके इनका कोई उसूल ही नहीं, कभी किसके साथ है, कभी किसके साथ है, कभी किसके साथ है, तो इसी तरह ये भी आगे इनसे मिला, पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली इसने। उस वक्त मोहतरमा बेनजीर साहब जिंदा थी, हयात थी, इधर उधर से करके उनके साथ आ गए,
कभी आपने ये सुना कि पीर साहब ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है? नहीं। पीर साहब बड़े मरो, पीर साहब मौजूदा, हमारे दोनों ही दोस्त हैं, काबिल एहतराम है। वो अपने उसूल पे खड़े हैं आज तक।